इस वक्त जरूर इनलाइटर ने टॉस को जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, पहली गेंद पर जरूर सिंगल के साथ खाते को खोला है। एक तरफ वीके चैंपियन तो एक तरफ वीडू ट्रेवल इनलाइटन। इस वक्त दूसरी गेंद को लॉफ्ट किया है, भेजा है दर्शक दीर्घा में, आता हुआ दमदार असरदार सिक्सर और जरूर यांक एस्केलेट सॉल्यूशंस को सलामी देता हुआ यह सिक्सर। इस वक्त जरूर वाइड का इशारा आता हुआ, इस वक्त जरूर सिंगल के साथ स्टेप आउट करना चाहते थे खिलाड़ी मौजूद, एक रन तो कंप्लीट हुआ, दूसरे का प्रयास होगा क्या? तो यस, दो रन कंप्लीट होते हुए सिंगल जरूर कंप्लीट होता हुआ। इस वक्त जरूर रनों की बात की जाए, 10 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। इस वक्त जरूर सिंगल के साथ होगा क्या? नहीं, डॉट गेंद आती हुई, ओवर की समाप्ति के बाद जरूर 10 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद जरूर हम देख रहे इनलाइटन, वी डू ट्रेवल इनलाइटन 10 पर है, नो लॉस 10। हेलो, शुक्रिया। यहाँ पर चलते एक बार फिर मैच की ओर। 14 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान पर। दूसरी गेंद थी, बल्लेबाज को समझ में नहीं आई, जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छा प्लेयर वहां का, और ऊपर से काफी अच्छा कैच, वहां पर शानदार कैच पकड़ते हुए पर फील्डर द्वारा अनुज ने काफी ढेर सलांग लगाई, इसे उड़ते हुए कैच पकड़े अनुज ने वहां पर, गिर और ना अच्छे नहीं उड़ते थे, कैच छूट देते थे, काफी शानदार कैच वहां पर, उतना अच्छे हिट था उनका बल्लेबाज का, लेकिन अनुज ने इसको नाकाम कराया। नए बल्लेबाज हैं मिहिर लखानी आ चुके हैं, अब देखना होगा अपनी टीम के लिए कितने सही साबित होते हैं। काफी अभी तक 14 रन हो चुके, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। अभी तक मैं कहूंगा एक छक्का मात्र लगा था पहले ओवर में, हल्के हाथों से खेलाई गेंद को, गेंद गई जा सकती थी जी वहां पे, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट नुकसान पर। हमारे स्कोरर हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, काफी अच्छे स्कोरिंग लिखते हुए स्कोरर हमारे, और एम्पायर को भी कहूंगा, दोनों एम्पायर हमारे काफी अच्छे, एम्पायर का अनुभव इनके पास है, खड़े खड़े रहना आसान बात नहीं होती है। मैं पूरा श्रेय देता हूं अपने दोनों एम्पायर को। तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं, कन्हई का स्वागत किया है, सीधा 6 रन लिए, गई दूर गई है, पूरे आधे दर्जन देके गई है, काफी कमाल के बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा। विनीत मिहिर ने काफी अच्छा यहाँ पे आते छक्का लगाया,
इसे सिंगल निकाला, ये समझदारी होती है। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन एक विकेट नुकसान पर, काफी अच्छा प्लेट वहां पर हवा में गेंद है, बैक करके एक रन आसानी से पूरा करेंगे बल्लेबाज। सिद्धेश जो कि अभी तक कुछ खास प्रभावित नहीं किया है, हल्का प्लेसमेंट वहां पे लेग में रनर से मना किया, स्कोर वहां पर डिस्टर्ब होता हुआ, इसको बढ़ता हुआ 23 रन। अच्छा प्लेसमेंट वहां पर अभी बाबा में गेंद है, काफी छपरे में बोल लग करके नीचे गिरी, रन लेने का कोई मौका नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने मिली हमें, डॉट बॉल है, एम्पायर का फैसला आता, नो बॉल है। ओवर की समाप्ति पर इसको बढ़ता हुआ 23 रन एक विकेट नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर चौथी ओवर लेकर नेहा जो कि अपनी टीम के लिए कमबैक करवा सकती है टीम को। हवा में गेंद है, फिर भी छपरे लड़काई एक रन भाग करके पूरा करेंगे, नहीं भागे हैं बिल्कुल। अच्छा शॉट वहां पर, बाउंड्री पे काफी अच्छी फील्डिंग, नेहा काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक दिखाई अपनी, 2 गेंदे एक रन दिया मात्र नेहा ने, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन एक विकेट नुकसान पर। एक बार फिर हवा में गेंद है, एक रन भाग करके पूरा किए बल्लेबाज। थोड़ा यहाँ पे फील्डर को चोट लगती हुई, काफी वहां पर काफी पैरों में चोट आती उनके, फील्डर अब उनकी जगह लेने आ रहे हैं। ये रिटायर हुए नए बल्लेबाज है ममता, ममता शाह आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक पर, 3 बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग, 1 डी डिक्लेयर, एम्पायर का फैसला आता हुआ, काफी अच्छा शॉट वहां पर, काफी दूर गई 6 रनों के लिए, आता हुआ छक्का मेन के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन एक विकेट नुकसान पर। फिर मैं कहूंगा काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक, एक बार फिर से हवाई फायर किया है, फिर से गई है दूर गई है, पूरे आधे दर्जन की देखे गई है, स्कोर बढ़ता हुआ 38, 4 ओवर की समाप्ति पर। कन्हैया स्कोर बढ़ता हुआ 38, 38 रन। ममता एक बार स्ट्राइक पर पहली बार कन्हैया का सामना करेंगी, अभी आते ही उन्होंने खाता खोला सिंगल से, बड़ा अभी अच्छे मूड में है। हेलो, यहाँ पे झटका लगता हुआ आर्यन ने कैच पकड़े,
अभी आने वाले बल्लेबाज हैं मंगेश, जो कि इनकी जगह लेने आए हैं। अनुष पर हैं ममता, मंगेश करने का सामना करेंगे। खेल दिया कवर के दिशा में, बाहर करके पूरा करेंगे आसानी से। एम्पायर का फैसला देखना होगा, एम्पायर से फाइनल डिसीजन होगा, एम्पायर से कोई एग्री ना करे। एम्पायर का फैसला नॉट आउट, मंगेश। अब ममता स्ट्राइक पर दूसरी बार, काफी अच्छी गेंद वहां पर ममता, बेट हुए वहां पर चौकी ममता। एक मिनट, दो मिनट। थोड़ा हमारे स्कोर से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, दो मिनट वेट कीजिए। चलिए चालू कीजिए। काफी अच्छी गेंद वहां पर, एम्पायर बोल कितना बोल, एक गेंद आना शेष बाकी है। ममता तैयार, खेल दिया हल्के हाथों से, रन बनाने कोई मौका नहीं, स्कोर बढ़ता हुआ। काफी अच्छी अभी तक गेंदबाज द्वारा मंगेश सामना करेंगे। अच्छा प्लेमेट कवर की दिशा में, लॉन्ग ऑन बैक, अभी अच्छी फील्डिंग वहां पर, फिर भी एक रन चुराने से कोई मौका रोक नहीं पाएंगे उन्हें, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। ममता फिर से स्ट्राइक पर, आशीष दूसरी गेंद लेके, ममता का अच्छा शॉट वहां पर, हवा में गेंद है, थोड़ी सी वहां मिस फील्डिंग होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। ओ काफी अच्छा शॉट पे, अवे गेंद है यहाँ पर, एम्पायर का डिसीजन क्या होगा, एम्पायर डिसीजन आउट। त्रष्टी ने काफी शानदार कैच पकड़ते वहां पर। अभी नए बल्लेबाज हैं, नए बल्लेबाज पूरे 100 आ चुके हैं ग्राउंड में। अब देखना होगा, अभी तक स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेट नुकसान पर। अच्छा प्लेयर वहां पर, इतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, फिर ममता चुस्त फुर्त एक रन चुराने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। दो गेंद आना शेष बाकी है, आशीष की अच्छा प्लेसमेंट वाला, एम्पायर का फैसला आता हुआ आउट। ममता चलते पवेलियन के राष्ट्रीय रोड पर, हाँ अभी नए बल्लेबाज है, रोशन में काफी शानदार कैच पकड़ते हुए, हार्दिक आ चुके हैं स्ट्राइक पर पहली बार। वो काफी अच्छी गेंद वहां पर, आशीष द्वारा एम्पायर का फैसला आते हुए नॉट आउट।
एम्पायर का फैसला क्या है? यहाँ पर आउट नहीं दिख रहा है। पांच छह ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, छह ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। बॉलर शरत जो कि साथी ओवर लेके आए हैं, चरण आए हैं जो कि साथी ओवर लेके अपनी पहली गेंद डालते हुए करे, मैंने कोई मौका नहीं। काफी अच्छा प्लेटमेंट वहां पर हवा में गेंद गई है, सीधा छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन बाहर, गिरगांव चौपाटी भेजा गेंद को, स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 5 विकेट नुकसान पर इस सातवां ओवर चलता हुआ। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर, एम्पायर का फैसला आता हुआ नो बॉल, एम्पायर का फैसला नो बॉल, फ्री हिट होगी एक और, स्कोर बढ़ता हुआ 51 यानी 51 रन। काफी अच्छा वहां पर हवा गेंद थी, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर थी भी, मैं कहूंगा अच्छी फील्डिंग वहां पर। नए बल्लेबाज अच्छा प्लेटमैन वहां पर हवा में गेंद है, एम्पायर का फैसला होता हुआ आउट, कैच को पकड़ा अभिजन ने, काफी शानदार कैच पकड़ते वहां पर बाउंड्री लाइन पर, मिहिर स्कोर बढ़ता हुआ 52 स्कोर बढ़ता हुआ यानी 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार मिहिर फिर अभी स्ट्राइक पर आते हुए ग्राउंड में, चोट लगने के बावजूद भी टीम मुसीबत में है, टीम को उभारने के लिए आ चुके हैं मिहिर एक बार फिर ग्राउंड में बल्लेबाजी करने के लिए। एम्पायर से रन अप मांगे हैं, रन अप लिया है एम्पायर मिहिर ने, रन अप सना चल तैयार। अच्छा प्लेयरमैन वहां पे आते ही कवर के ऊपर खेला गेंद को एक रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अभी तक शानदार उतना बल्लेबाजी कुछ खास नहीं, सातवां ओवर चल रहा है, अच्छा प्लेयर वहां पर काफी अच्छी फील्ड, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, अब बल्लेबाज एक रन भाग करके आसानी से पूरा करेंगे। मिहिर रिशेद 7 ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 53 यानी 53 रन, 7 ओवर, ये आखिरी ओवर होगा। अच्छी वहां पर प्लेसमेंट होती थी, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओ काफी अच्छी गेंद वहां पर बीट हुए, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, तीसरी गेंद लेके तैयार। अच्छा प्लेयर कवर के ऊपर से खेला है, गेंद गई है बहुत दूर गई है, पूरे 6 रन देके गई है, सीधा गिर गई स्टंप में भेजा है गिरगट चौपाटी के लिए। अच्छा प्लेयर वहां पर एक बार फिर से हवा में गेंद है, मौका बन सकता था वहां पर रनर का चांस, मौका गवाया फिर आप दोबारा वहां पर। कैचेस बिन द मैच बिन सब सुने होंगे आप लोग ने, काफी एक बार सीधा 6 रन के लिए, फिर एक बार फिर स्टैंड भेजा गेंद को, काफी अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, चोट लगने के बावजूद भी छक्का सजा शानदार स्टेट में, स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। आखिरी गेंद है, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, आखिरी ओवर की, फिर से अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, 2 रन भाग के पूरा करेंगे आराम से जी बिल्कुल। स्कोर बढ़ता हुआ 69, जीतने के लिए 70 रनों का लक्ष्य रखा है सामने।
मात्र 8 ओवर में। थैंक यू डीजे। थैंक यू सर। चलते बीच मैदान के अंदर। 70 रनों का पीछा जरूर करना है। बीएनआई प्रेजेंस आप देख रहे हैं आईसीपीएल सीजन 7 एडिशन नंबर 7। सत्तर रनों का दूर पीछा करना है। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर है। कौन सा गेंदबाज होगा? सत्तर रनों का दूर पीछा करना है। एक तरफ हम देख रहे हैं इनलाइटिंग ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की और सत्तर रनों का लक्ष्य सामने रखा है वीडू ट्रेवल के सामने, वीके चैंपियंस के सामने। एक तरफ वीके चैंपियंस तो एक तरफ वीडू ट्रेवल। सत्तर रनों का पीछा करना है आपको। 72 विन। जरूर विनय और मैरिन ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर है। इस जोड़ी पर जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्तर रनों का आपको पीछा करना है। 70 चेजेबल। एक तरफ वीडू ट्रेवल इन लाइटिंग तो एक तरफ हम देख रहे हैं वीके चैंपियंस। और जरूर गणपति बापा मोरिया के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत की गई है। बॉलिंग मार्क पर जरूर पुनीत। सत्तर रनों का जरूर पीछा करना है। पुनीत बॉलिंग मार्ग पर पुनीत है। पुनीत अग्रवाल जरूर बॉलिंग मार्ग पर है। राइट आर्म राउंड विकेट का जरूर इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथ से स्टेयर किया जरूर है। थर्ड मैन पर गेंद निकल जाएगी एक रन के लिए। रन संख्या की शुरुआत जरूर सिंगल से होती हुई, श्री गणेशा सिंगल से होता हुआ। इस वक्त डॉट गेंद आती हुई। इस वक्त लेग स्टिक के ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस वक्त और एक वाइड गेंद, बैक टू बैक दो खराब गेंद, लाइन एंड लेंथ से पूरी तरीके से अभी तक भटके हुए गेंदबाज। सत्तर रनों का जरूर पीछा करना है। रन की बात की जाए, रन संख्या लगती हुई स्कोर कार्ड पर 3। लॉफ्ट करना चाहते थे, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड एंड से आता हुआ बेग 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 सिक्सर। 6 रनों के साथ जरूर बात की जाए तो संकेत श्रीवास्तव सर, स्पॉन्सर रियांग एस्केलेट सॉल्यूशन। हल्के हाथ से खेलना चाहते थे, खिलाड़ी जरूर मौजूद है। डॉट गेंद आती हुई, आने वाली 2 गेंदें अभी 20 ओवर की शेष है।
इस वक्त डॉट गेंद आती हुई, आखिरी गेंद जरूरी इस ओवर की, 9 लगे स्कोर कार्ड पर और एक खराब गेंद, डबल डिजिट में गाड़ी दौड़ते वक्त दिखेगी अभी हमें, 10 ऑन द स्कोर कार्ड, 70 रनों का जरूर पीछा करना है वीके चैंपियंस को, स्लाइस किया इस बार गेंद को, फाइनली रीजन पर जरूर एक रन देकर जाएगी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 लगते हुए स्कोर कार्ड पर, 11 ऑन द स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर 1 ओवर। पूरव शाह जरूर बॉलिंग मार्क पर है, इक्वेशन की बात की जाए 42 गेंदे 59 की दरकार, 59 रिक्वायर्ड इन 42 डिलीवरीज, 59 रिक्वायर्ड इन 42 डिलीवरीज। एक तरफ हम जरूर देख रहे वीके चैंपियंस, तो एक तरफ वी डू ट्रेवल्स इन लाइट इन। इस वक्त खराब गेंद, 9 गेंद पर जरूर प्रहार किया, अटैक किया है, अ सिक्स कैन मेक योर ड्रीम पॉसिबल। रियांग स्केलेटेड सॉल्यूशंस के माध्यम से हम देख रहे सिक्सर आता हुआ, रन संख्या 18 ऑन द स्कोर कार्ड, फ्री हिट। इस वक्त जरूर फ्री हिट कंटिन्यू होगा, शॉट तो अच्छा है पर जरूर गेंद रूप पर टकराई है, 20 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। इकतालीस गेंदे 50 की दरकार है, 50 रिक्वायर्ड इन 41 डिलीवरीज। इस वक्त एक रन से संतुष्ट होना होगा, 21 फुलर लेन की गेंद जरूर थी, रनों की बात की जाए 22 डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद आती हुई, आने वाली 2 गेंदें अभी भी शेष है, 2 to go। इस वक्त कैच तो ड्रॉप हुआ है, देखकर जाएगा 4 रन, 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, स्कोर कार्ड 26। इक्वेशन की बात की जाए 44 रिक्वायर्ड इन 37 डिलीवरीज, 44 रिक्वायर्ड इन 37 डिलीवरीज। इस वक्त ड्रैग किया है, सिंगल के साथ जरूर रन संख्या में होता हुआ परिवर्तन, 27 लगते हुए। बॉलिंग मार्क पर हम अपूर्व को देख रहे हैं, इक्वेशन की बात की जाए जरूर 36 गेंदे 43 की दरकार, 43 रिक्वायर्ड इन 36 डिलीवरी। खड़े खड़े खेलने का प्रयास खिलाड़ी तो मौजूद था, विडाउन का खिलाड़ी जब तक टैकल करता जरूर एक रन कंप्लीट होता हुआ, 42 रिक्वायर्ड इन 35 डिलीवरीज। किस चौके के साथ जरूर रन संख्या में होता हुआ परिवर्तन, रनों की बात की जाए जरूर रन संख्या जाकर पहुंची है 33, स्कोर कार्ड ऑन 33। इक्वेशन की बात की जाए
37 रिक्वायर्ड इन 33 डिलीवरीज। इस वक्त अंपायर का इशारा नो बॉल आता हुआ, नो बॉल तो है पर एक अच्छा स्टॉप, फ्रीड जरूर होगा, नो प्लस वन। 34 रिक्वायर्ड इन 32 डिलीवरीज, 34 रनों की दरकार है अभी भी आने वाली 32 गेंदों में। फ्रीड का जोर इस्तेमाल नहीं कर पाए, आने वाले आखिरी गेंद जरूरी, इस ओवर के अभी भी शेष है। वाइड का इशारा जरूर अंपायर का आता हुआ, 38 39 सिंगल के साथ जरूर 39 लगते हुए। निखिल कुपाड़िया को जो हम देख रहे हैं बॉलिंग मार्क पर है, निकी कुपाड़िया को जो हम देख रहे हैं बॉलिंग मार्क पर, निकी कुपाड़िया। निकी को जरूर हम बॉलिंग मार्क पर देख रहे हैं, पहली गेंद पर बिग हिट करना चाहते थे बल्लेबाज। इक्वेशन की बात की जाए 29 गेंदें 30 की दरकार है। इस वक्त सिंगल के साथ रनों की बात की जाए 41 लगते हुए, 29 रिक्वायर्ड इन 28 डिलीवरीज। इस वक्त खराब गेंद, नो प्लस वन जरूर हम देख रहे हैं। बीच मैदान के अंदर रन संख्या में होता हुआ परिवर्तन, 43 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, इस वक्त फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है। इक्वेशन की बात की जाए 28 रिक्वायर्ड इन 27 डिलीवरीज। इस वक्त स्ट्रोक सिलेक्शन अच्छा है, एक रन के साथ रन संख्या में होगा परिवर्तन, 43 लगते हैं, 43 ऑन द स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। सिंगल के साथ रनों की बात की जाए 44, लॉस ऑफ
जीरो विकेट 44। इक्वेशन की बात की जाए 26 रिक्वायर्ड इन 25 डिलीवरीज। इस वक्त खड़े खड़े खेल दिया है। आने वाली 24 गेंदें 25 रनों की दरकार है। बॉलिंग मार्क पर जरूर पुनीत है। चौबीस गेंदें 25 की दरकार है। इस वक्त अवे फ्रॉम द बॉडी। तेईस गेंदें 25 की दरकार। प्रयास अच्छे पर जरूर गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए और जरूरी आता हुआ दियांक एस्केलेटर सॉल्यूशंस के नाम का सिक्सर। इस वक्त प्रयास अच्छे थे। रन की बात की जाए रन संख्या रुकी है 52, 52 रन। रन की बात की जाए 53 लगते हुए 53। आने वाली दो गेंदें अभी 20 ओवर की शेष है। इस वक्त शॉट अच्छा था पर एक रन से सेटिस्फाइड हो रहा होगा। रन की बात की जाए आने वाले अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। रन की बात की जाए रन संख्या लगती हुई 55। इक्वेशन की बात की जाए 55 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। 18 गेंदें 55 की दरकार है। मैच अभी भी बैलेंसिंग है। दो बड़े हिट और जरूर मुकाबले में रंगत आ सकती है। रन की बात की जाए जरूर इस वक्त सिंगल आता हुआ 14 रिक्वायर्ड इन 17 डिलीवरीज। इस वक्त अच्छा कैच बेहतरीन लाजवाब सुपरली टेकन मंगेश के माध्यम से अच्छा कैच।
न्यू बैटर जरूर हम देख रहे हैं। इस वक्त अच्छा कलेक्शन बीच मैदान के अंदर। पंद्रह गेंदे चौदह की दरकार तो थी। इस वक्त मैच जरूर टेबल टर्न करता हुआ। रन की बात की जाए जरूर 56 लॉस ऑफ टू विकेट। न्यू बैटर जरूर दृष्टि की बात की जाए तो जरूर एक अच्छा कैच लपका था शॉर्ट ऑफ पर। इस वक्त 14 गेंदे 14 की दरकार है। 14 रिक्वायर्ड इन 14 डिलीवरीज। मैच इज बैलेंसिंग। मौका दोनों ही तरफ बराबरी का है। इस वक्त हल्का से खेलना चाहती थी। संपर्क गेंद और बल्ले का हुआ नहीं। 13 गेंदे 14 की दरकार है। 14 रिक्वायर्ड इन 13 डिलीवरीज। की बात की जाए जरूर रन संख्या 56 लॉस ऑफ टू। 12 गेंदे 14 की दरकार है। 14 रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज। सिद्धेश चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है। 12 गेंदे 14 की दरकार है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन हम देख रहे बीच मैदान के अंदर। मैच जरूर एक क्रूशियल मोमेंट पर है। एक तरफ टीम की बात की जाए तो हम देख रहे वीके चैंपियंस तो एक तरफ वी डू ट्रेवलर्स। 12 गेंदे 14 की दरकार है। मैच कड़वा संघर्ष गेंद और बल्ले का। स्टैंड एंड डिलीवर की कोशिश। डॉट गेंद आती हुई। 11 गेंदे 14 की दरकार है। इस वक्त 9 गेंद का इशारा अंपायर का आता हुआ। और फ्री हिट होगा। मौका होगा आपके पास हाथ खोलने का। 11 गेंदे 13 की दरकार है। इस वक्त फिर एक बार इक्वेशन की बात की जाए 10 गेंदे 13 की दरकार है। 10 गेंदे 13 की दरकार। इस वक्त विकेट का होगा क्या पतन? तो यस विकेट आता हुआ गडला वाला के नाम में। अदरवाइज ये विकेट आता हुआ। ये था गडला वाला विकेट। बैट्समैन को सुला डाला। मुकेश ने जरूर एक अच्छा कैच पकड़ा। गाडल वाला के नाम पे जरूरी विकेट आता हुआ। नीरव मेहता सर भी है ना एक्सपोनेंशियल। रन की बात की जाए जरूर रन संख्या जाकर पहुंची है 57। 13 रिक्वायर्ड इन 9 डिलीवरीज। इस वक्त विकेट तो लगाना चाहते थे। अच्छा कैच। इनलाइटन मैच में वापसी करती हुई बेहतरीन कैच। कैचेस विन मैचेस। दो अच्छे कैचेस जरूर पूरी तरीके से टेबल को टर्न कर चुके। इक्वेशन होने वाली है 8 गेंदे 13 की दरकार है। ऑन हैट्रिक होगा जरूर गेंदबाज अनुज। ऑन हैट्रिक होगा गेंदबाज। चलिए तालियां बजनी चाहिए इस गेंद के लिए। क्या हैट्रिक कंप्लीट होगी? मौका बना है पर गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर।
रियांग एस्केलेटर सॉल्यूशन के नाम पे आता हुआ सिक्सर, और सिक्स कैन मेक योर ड्रीम पॉसिबल। सात गेंदे सात की दरकार, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, रन कंप्लीट होता हुआ इक्वेशन होगा। छह गेंदे छह की दरकार, एक तरफ हम देख रहे वीके चैंपियंस तो एक तरफ वी डू ट्रेवलर्स इन लाइटन। छह गेंदे छह की दरकार है, सिक्स रिक्वायर्ड इन सिक्स डिलीवरीज। इस वक्त पहली गेंद पर सिक्सर आता हुआ, और यस वीके चैंपियन इज अ विनर। चलिए हार्ड लक वीडू ट्रेवलर्स, अच्छा खेल आपने बीच मैदान के अंदर खेला। थैंक यू डीजे।